हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जुड़ गए हैं। रमन सिंह जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो, और सच बताइए कि छत्तीसगढ़ में ऐसी जीत की उम्मीद की थी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान में लगने के साथ ही साथ जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे पार्टी को बूथ स्तर तक और ख़ास तौर से नीचे स्तर में जो कार्यकर्ताओं की टोली लगी, उसके बाद एक वातावरण का निर्माण हुआ। मगर परिवर्तन की बात तब शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी किया और आखिरी बूथ तक हमने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया। घोषणा पत्र और घोषणा पत्र के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मोदी जी ने खड़े होकर सार्वजनिक रूप से कहा, ये मोदी गारंटी है किसानों के लिए, मजदूर जो महतारी वंदन योजना है, किसानों को 3100 रुपया धान खरीदने की योजना है, अन्य योजना जो हमने बनाई है उसको एक प्रकार से जनता के बीच विश्वास में लाने के लिए मोदी जी ने सभाओं पे उसकी घोषणा की और वो एक विश्वास बना जो आज वोट में तब्दील हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश के 5 साल की सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जिस प्रकार घोटाले पे घोटाले होते रहे, शराब घोटाला, कोयला घोटाला से लेकर अंत में पीएससी में भी घोटाले हुए और महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपया की बात तो निश्चित रूप से सार्वजनिक। सर, आप जांच करवाएंगे इनकी या आप आगे आप पॉजिटिव राजनीति करेंगे डॉक्टर साहब, या आप ये सो जो आरोप लगा रहे हैं इनकी जांच में जाएंगे, क्या करेंगे आप, क्या करना चाहिए आपकी पार्टी को? ये आरोप नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आरोप नहीं है। ये ईडी ने जांच के बाद 13,000 पेज के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। सवाल इस बात का है कि ये सारे मामले प्रमाणित हैं, दो दो अधिकारी 6 महीने 7 महीने से जेल के अंदर हैं। ये प्रक्रिया ईडी करेगी और बाकी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उस पर आगे कार्रवाई करेगा। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जितने भी मामले हैं वो चाहे पीएससी का घोटाला हो चाहे अन्य घोटाले। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, पिछली बार आपको सीएम फेस डिक्लेयर किया था पार्टी ने, तो इस बार आप ही सीएम डिक्लेयर होंगे या आपको कोई शंका है मन में? नहीं, 2003 में, 2008 में, 2013 में मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना छत्तीसगढ़ में, मगर कभी मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट फेस प्रोजेक्ट करके नहीं बना। हमारे विधायकों की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई नए जीते हुए विधायकों का, उसमें सर्वसम्मति से दल का नेता का चयन हो जाता है और 3 बार इसी प्रक्रिया में हमने कहा, और अभी फिर से विधायक दल की बैठक होगी, जिसका भी नाम आएगा विधायक दल में पर्यवेक्षक रहेगा। तैयार है ना उसके सर, आप तैयार है ना, केंद्रीय आप तो तैयार है ना सर? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और सार्वजनिक रूप से भी मैं इस बात को बोलता हूँ कि जो पार्टी का निर्देश होता है उसी आधार पर डॉक्टर रमन काम करता है, आने वाले समय में भी उसी दिशा में काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इतने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ABP News, आपको रखे आगे।